पश्चात उपचुनाव जीतना कांग्रेस और बीजेपी के लिए दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बन चुका है, लेकिन दयाल प्यारी ने मानो दोनों राजनीतिक दलों के नाक में दम कर दिया है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कांग्रेस के हक में बता रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा इस बात को सिरे से नकार रही है। और उनका मानना है कि यहां से भाजपा ही विजय हासिल करेगी और कांग्रेस को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बारे में पूछा गया तो वे बिगड़े स्वास्थ्य की वजह से चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे, तो क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि लाभ हानि के बजाय ये महत्वपूर्ण है कि उनका जल्द स्वास्थ्य लाभ हो, लेकिन साथ में ये भी शालीनता से कह गए कि किसी के चुनाव प्रचार पर आने या ना आने से भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी जीत का कारण है। लेकिन जब दयाल प्यारी और भाजपा की जीत के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया और कहा कि पश्चात की सीट उनके पास थी और उनके पास ही रहेगी। दयाल प्यारी को लेकर मुख्यमंत्री से इस बयान को राजनीतिक विशेषज्ञ क्या अंदाजा लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त दिखे कि पश्चात में भाजपा ही विजय हासिल करेगी। प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने पश्चात उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर अपने शब्दों से तीखे प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस अपनी हार को सामने देख रही है और हारने के बाद उन्हें क्या कहना है उसके लिए भी भूमिकाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन उपचुनावों में कई शातिर चालें दयाल प्यारी को लेकर चली, लेकिन सभी चालें धरी ही धरी रहेगी क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के साथ हैं और उनकी निष्ठाएं भी भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके लिए भाजपा एक अच्छे अंतर से ये चुनाव जीत रही है। वहीं खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी हार की रिहर्सल अभी से आरंभ कर दी है क्योंकि वे भाजपा पर ये आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, भाजपा पैसा बांट रही है, जैसे कई आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद वे इसका ठीकरा ईवीएम पर थोपने वाली है, यही सभी आरोप पे हारने के बाद भी लगाने वाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दयाल प्यारी को चुनावों में बढ़ावा देने की चाल भी चली थी, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम से भागी हुए कुछ कार्यकर्ता की गलत फहमी भी दूर होने वाली है कि कार्यकर्ता की अहमियत संगठन में ही होती है, संगठन से बाहर रहकर वे कुछ नहीं कर सकते। हमीरपुर शहर में चल रहे सड़क मरम्मत कार्य को धीमी गति से होने से दुकानदार मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो मिट्टी और धूल से भी समस्या बनी हुई है। पिछले दो महीने से सड़क मरम्मत कार्य के कारण सड़क पर चलना दुर्बल बना हुआ है क्योंकि सड़क किनारे बनाए जा रहे फुटपाथ के काम को लेकर लेट लतीफी की जा रही है, जिसके चलते रोजाना काफी देर तक नादौन चौक पर भारी यातायात जाम भी लगा रहा। साथ ही सड़क काम को लेकर बजरी रेता और टैंकर के सड़क किनारे खड़े होने से हर वक्त वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क के किनारे नादौन चौक के पास लगे हुए फुटपाथ के काम को लेकर दुकानदार खासे नाराज हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने जमकर जिला प्रशासन को फुटपाथ काम में देरी के लिए कोसा, लेकिन दुकानदारों ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। कैमरे के पीछे लोगों ने प्रशासन पर सड़क काम में बरती जा रही ढील को लेकर काफी आरोप लगाए। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से फुटपाथ का काम चला हुआ है, लेकिन काम में देरी की जा रही है, जिसके कारण धूल मिट्टी से बुरी हालत है, तो दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि फुटपाथ का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।
हमीरपुर में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण विषयों पर युवाओं ने अपने अपने विचार रखे। समारोह में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने भी शिरकत की और युवाओं का मनोबल बढ़ाया। नेहरू युवा केंद्र के युवा समन्वयक ने बताया कि युवाओं में देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करवाता रहता है। उन्होंने बताया कि युवाओं ने भाषण प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया।